dear students today we are going to finalize the last lesson of our civics books challenges to democracy we have studied various challenges are faced by democracy one of them is foundational challenge second one is expansional challenge and third one is deepening challenge now we are going to discuss about the political reforms or the democratic reforms. First of all, what are political reforms or what are democratic reforms? The suggestions or the proposals for overcoming various challenges to democracy are known as democratic reforms. Then we are going to discuss what are the various ways to reform politics in India or what broad guidelines should be kept in mind. वाहेल डिवाइजिंग वेरियस वेज एंड मीन्स फॉर पोलिटिक पोलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया कि हिंदुस्तान में पोलिटिकल रिफॉर्म्स और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करते समय या उनको लागू करते समय बनाते समय हमें कौन सी गाइडलाइंस और सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि उनके नेगेटिव इफेक्ट्स ना आए फर्स्ट वन वन वे इज टू रिफॉर्म द पॉलिटिक्स टू कंट्रोल द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी बाई द लीगल वेज और बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल वेज Or by preparing the laws or by preparing the legal laws. But we have to keep, we have to keep in mind that we have to prepare those laws which discourage the wrong practices in politics and increase or motivate the good practices in politics. But you know that only laws or rules are not sufficient. In cricket, for controlling the negative tactics in betting, lag before law. और LBW बी डब्ल्यू लावाज प्रीपेड बट दिस हैज नोट टोटली बट दिस हैज नोट टोटली रिड्यूस्ड द नेगेटिव प्रैक्टिस इन बैटिंग लॉज के साथ साथ जो लाज जिन लोगों पे बनने हैं उनका भी मॉरल वैल्यू अप जैसे इन क्रिकेट एल बी डब्ल्यू लॉज के लिए प्लेयर्स कोचिज एडमिनिस्ट्रेटर्स वो भी पॉजिटिव हों तो इफेक्टिव होगा लाइक इन पॉलिटिक्स फॉर रिफॉर्म्स जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं प्रेशर ग्रुप्स हैं मोमेंट्स हैं हैं पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं दे शुड बी अवेयर दे शुड बी अवेयर एंड दे शुड वेलकम दिस लॉज सेकेंड बिफोर मेकिंग एनी लाज बिफोर मेकिंग एनी ला फॉर रिफॉर्मिंग द पोलिटिक्स ये क्लियर कट माइंड में होना चाहिए कि वट वुड बी इट्स काउंटर इफेक्टिव इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो सोसाइटी के ऊपर क्या होंगे जैसे इन सम स्टेट्स इन सम स्टेट्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन की एक बड़ी समस्या है उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेट्स में लोकल गवर्नमेंट बॉडी के इलेक्शंस में पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शंस में एक कानून बना कि द पर्सन हु इज़ हैविंग मोर देन टू चिल्ड्रन आफ्टर ए पर्टिकुलर ईयर की इस पर्टिकुलर ईयर के बाद में किसी की फैमिली में दो से ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ है तो दे आर नॉट अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इसके कारण बहुत सारे गरीब लोग विशेष करके महिलाओं के, के पोलिटिकल राइट्स का वेशन हुआ क्यों बिकॉज पुअर पीपल डोंट हैव द कॉन्ट्रासेप्टिव फैसिलिटीज उनके पास अनवांटेड बेबीज के बर्थ को अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिवस हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं है या वो लोग अवेयर नहीं हों इस कारण ये एक नेगेटिव इफेक्ट आया कि उनके पॉलिटिकल राइट्स का वेशन हुआ इसलिए वही लाज वही लाज बनानी चाहिए जो इफेक्टिव हों बेस्ट लाज वही हैं बेस्ट लाज वही हैं जो लोगों को डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कैरी ऑन करने में मदद करे। जैसे बेड लाज में टू चिल्ड्रंस वाला और बेस्ट लाज में राइट टू इन्फॉर्मेशन आर टी आई दैट वॉज इनेक्टेड इन टू थाउजेंड फाइव सूचना का अधिकार जिसके तहत जिसने लोगों को एम्पावर किया दे कैन फाइंड आउट कि हाउ ए पर्टिकुलर डिसीजन इज टेकन इन डेमोक्रेसी द proper प्रोसेस इज followed or और नोट एंड इट as एज ए वॉच ये डेमोक्रेसी में एक प्रहरी एक रक्षक की तरह काम करता है ये उन लाज को मदद कर रहा है आर टी आई उन लाज को मदद कर रहा है जो करप्शन कंट्रोल के लिए करप्शन कंट्रोल के लिए जो पहले से थे उनको मदद कर रहे हैं थर्ड वन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बेटा आर टू बी ब्रोट अबाउट प्रिंसिपल उसके थ्योरिटिकल भी होना चाहिए मेन फोकस ऑफ पोलिटिकल रिफॉर्म्स शुड भी ऑन वेज टू डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पोलिटिकल पार्टीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न शुड टू बी इन इंक्रीज एंड इम्प्रूव द क्वालिटी कि क्या होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें थर्ड कोई भी प्रपोजल पोलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए बने तो ये देखना चाहिए कि ये कानून तो बनेगा बट हु विल इम्प्लीमेंट क्योंकि राजनेता लोग पॉलिटिकल पार्टीज कोई इस प्रकार का कोई कानून नहीं बनाएंगे जिसके प्रति उनकी जवाबदेही बढ़े तो हमें ये भी माइंड में रखना है देन एट फाइनल वे वी आर गोइंग टू समराइज द चैप्टर रिप डिफाइनिंग डेमोक्रेसी देखिए डेमोक्रेसी में देखिए द रूलर्स इलेक्टेड बाई द पीपल डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी है जब रूलर्स इलेक्टेड बाई द पीपल आर टेकिंग द मेजर डिसीजन सेकेंड इलेक्शंस मस्ट ऑफर ए चॉइस एंड फेयर चांस टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स थर्ड दिस च्वाइस एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस एंड फोर्थ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस मस्ट लीड इस आधार पर जो गवर्नमेंट बने वो बेटा बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें वो संविधान से ऊपर ना हो और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स अदर राइट्स का वो इलेक्शन ना करें सम्मान करें अब इस आधार पर हम देखते हैं क्या हमारे इंडिया में ऐसा हुआ हमने देखा कि वी डिस्कस डेमोक्रेटिक राइट्स एट लेंथ पूरी नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड में हमने देखा डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में एंड नोटेड दैट हमने देखा दीज राइट्स आर नॉट लिमिटेड जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा डेमोक्रेटिक राइट्स में केवल राइट टू वोट राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन राइट टू फॉर्म द पोलिटिकल पार्टीज तक इसी में तो नहीं है वी हमने यह भी डिस्कस किया कि सम सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स आर आल्सो गिवन टू अस वी हैव टेकन अप पावर शेयरिंग आपने देखा होगा हमने पावर शेयरिंग का चैप्टर पढ़ा उसमें हमने पावर शेयरिंग का कंसेप्ट पढ़ा हमने देखा कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी और हमने यह डिस्कस करा कि किस प्रकार पावर शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड सोशल ग्रुप्स है वो नेसेसरी है जैसे आपने पावर शेयरिंग में द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स वगैरह पढ़ा वी साहू हमने ये भी देखा कि डेमोक्रेसी कैन नॉट बी द ब्रूट रूल ऑफ मेजोरिटी जैसे आपने देखा कि डेमोक्रेसी में जो लोग मेजोरिटी में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन वो अपने लेवल पर क्रूअल नहीं हो सकता दे हैव टू रिस्पेक्ट द माइनॉरिटी उन्हें माइनॉरिटीज को भी माइंड में रखना होता है और हमने यह भी देखा किन ऑफ डेमोक्रेसी है भी हमारा तो है यह गवर्नमेंट और इसकी एक्टिविटीज से अभाव भी है हमने यह भी देखा कि किस प्रकार कास्ट रिलीजन जेंडर के ऊपर जो डिफ्रेंस हैं जो भेदभाव होता है उनको भी खत्म किया जा रहा है एंड फाइनली और लास्ट हमने यह भी देखा कि वी हैव सम डिस्कसन अबाउट सम आउटकम्स कि हमने ये भी देखा कि वट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी जैसे कि डेमोक्रेसी शुड हैव एलिजिटीमेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट देर शुड भी नो इनइलिटी ऑफ इकोनॉमी और इनकम पीपल शुड हैव द डिग्निटी पीपल शुड हैव द लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट देर शुड भी अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज ओके डियर स्टूडेंट्स वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर ओके Dear students